और वैसे मेरी वीडियो लेट हो जाती है क्योंकि कल मैंने चेक किया कि मेरे चैनल पर मेरी वीडियो पड़ी नहीं है, जो कि पड़ी होनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारी मेहनत की और मैंने उस एपिसोड के अंदर सिर्फ उसे माइनिंग ही की थी, उसे दूसरे एपिसोड के अंदर भी की थी, लेकिन उस एपिसोड से मैं मिले इतने सारे लैपिस, ये रेड स्टोन और सबसे मेन चीज़ डायमंड, कोयल के इतने सारे स्टैक्स हैं हमारे पास और नीचे अभी भी और बहुत सारे गोल्ड आयरन सब कुछ मल्टी कलर, हम अमीर हैं, हम देखो बहुत अमीर हैं, हमारे पास अब अमीरी आ गई है। ये देख रहा कितने सारे गोल्ड लेवल्स, वैसे पिछले एपिसोड के अंदर मैं 20 लेवल थे तो मैं वहाँ पर डाई हो गया किसी मॉन्स्टर से और इसकी पूरी पूरी खोड से मैं डाई हो गया और मेरे स्टाइक से टूल से आर्मर चले गया। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बनाएंगे एन्चांटमेंट टेबल, यस गाइस एन्चांटमेंट टेबल, जिसके लिए हमने इतनी देर से वेट कर रहे थे। तो अब हम डायमंड की पिकैक्स बनाएंगे और नीचे तो वो नीचे डायमंड गिर गए, नहीं डायमंड वो आइटम है जिसे खोना नहीं होता, संभाल के रखना होता है। अब वो लेजेंडरी चीज़ जो हम ये रेसिपी देख के भैया मेरे अंग अंग खुश हो जाता है। तो गाइस अब मैं डीप डंजन्स के अंदर जा रहा हूँ तो मैं आपको वहीं पे मिलूंगा। तो गाइस अब हम आ चुके हैं, वैसे मेरे इन्वेंटरी के अंदर क्या है मैं पहले चेक कर लूँगा कि कुछ ज़्यादा एकदम नहीं है। और अब वो माइटी मोमेंट जिसका था सबको, पहले मैं ये एरिया पहले क्लियर आउट कर लेता हूँ। अब ऑब्सिडियन माइंड कर लेता हूँ और उसमें लेकिन इसमें फास्ट भी है काफ़ी ज़्यादा और ये टूट गया हो। तो मैं आपको सारे ऑब्सिडियन माइंड करने के बाद मिलता हूँ। अपना साथ जितना मुझे ऑब्सिडियन चाहिए था मैंने उतना ले लिया, तो मैं आपको मेरे बेस के ऊपर मिलता हूँ जहाँ पे अब हम बनाए जा रहे हैं माइटी एन्चांटमेंट टेबल। तो अब मैं ऊपर आ चुका हूँ और अब हम बनाए जा रहे हैं वो माइटी चीज़ जिसका नाम है एन्चांटमेंट टेबल। हाँ एक डायमंड तो ले लो भैया। अरे लेकिन मैं भूल गया था, उसके लिए तो वो किताब चाहिए। और नो प्रॉब्लम, वी हैव सो मैनी गन्ना एंड लेदर भी काफ़ी जा रही है, तो मैं चेक करता हूँ कि क्या इससे बन सकता है गाइस हमारी लेजेंडरी चीज़ जिस चीज़ का नाम है एन्चांटमेंट टेबल। तो ये पन्ने बनाने पड़ेंगे हमें, किताब मोर पन्नास एंड मोर किताब। कहाँ है हॉर्स आर्मर, लेदर आर्मर नहीं चाहिए हमें, डायमंड तो है ना, डायमंड तो ले लो उसके बाद एन्चांटमेंट टेबल बनाओ। और शुगर केन, वी नीड मोर शुगर केन। ओके मैं खाना खा लेता हूँ। कहाँ है ये रही वो लेजेंडरी चीज एन्चांटमेंट टेबल। हाँ पेपर पहले करना 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 मैंने करी मेहनत। ओके और अब हम ये चीज़ करेंगे जैसे कहाँ है बुक शेल्फ क्या मैंने इतनी सही क्राफ्ट ही नहीं हुई कि बुक शेल्फ एक बन सके, तो काफ़ी है ना एक बुक शेल्फ तो बनी सकती है बुक शेल्फ। अच्छा डाई और एक फेदर, मेरे पास इंक तो नहीं है लेकिन डाई ज़रूर होगा, ओ सॉरी चिकन फेदर ज़रूर होगा। हाँ कहाँ है यार मेरे बुक्स की रेसिपी कहाँ गई, कहाँ है वो चीज़, कहाँ है, चलो मैं ऑफ करके रेसिपीज देखता हूँ यहीं पर। फिर से चेक करते हैं, नहीं यार कहाँ है, देखिए एन्चांटमेंट टेबल नहीं मिली लेकिन हमारे पास अभी भी एक चांस है एन्चांटमेंट टेबल ढूंढने का। एन्चांटमेंट टेबल एक सेकंड पे हो गई, ये रही बुक शेल्फ बनाने के लिए हमें वुड चाहिए, बस इतनी सी बात भाई वुड, ये ले भाई एक स्टैक ले तू, लेकिन बस मुझे वो दे दे। कहाँ है hey boss,
और क्या मेरे पास अभी बचे हुए हैं क्या बुक्स? नहीं ठीक है, तीन ही बच सकते हैं। तो अब हम पहले वो वाला एरिया ढूंढ, चटपट टेबल सेटल अप कर दिया है और मैं इन अब लैपिस तो लेके आओ, तो मैं आपको लैपिस ला के मिलता हूँ। तो गाइस अब मैंने लेवल्स, ये कौन सी चटपट है, टू वन ब्रेकिंग टू, मैं कौन सी वाली ऐसे इंचमेंट करूँ, वैसे मुझे ये वाली अच्छी लग रही है। लाओ मुझे कोई एक्स्ट्रा इंचमेंट मिली क्या? नहीं एक ही मिली। वाह मेरे पास अभी इंचांटेड वाली पिकैक्स है गाइस, तो मैं अपने एक एक आर्मर एक एक टूल इंचांट करूँगा। और अब मैं वैसे भी एक्सपी फार्म ज़्यादा यूज़ करूँगा, पहले कम यूज़ करता था अब ज़्यादा यूज़ करूँगा। अब मेरे पास इंचांटमेंट की ताकत आ गई है डार्क इंचांटर्स की, अब आई कैन इंचांट माय शील्ड। एक समय अपनी शील्ड तो इंचांट कर लूँ। हाँ तो गाइस ये शायद इंचांट ही नहीं हो रही है शील्ड, मेरे पास 12 लेवल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शील्ड इंचांट नहीं तुम लोग कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप यू एंजॉयड, बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय। हाय दादा इतनी फास्ट बोला ना मैंने।